हाय एवरीवन, UPTU 2023 काउंसलिंग को लेकर के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितने ही बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो UPTU काउंसलिंग में साफ वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन है कि 700 से भी ज़्यादा एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। पूरा शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया, तो शेड्यूल का प्रॉपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर के वो वीडियो चेकआउट करें। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करके 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मेरे को इस चैनल पे, काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुका हूँ, हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका हूँ मैं काउंसलिंग में, चाहे जेई की हो, चाहे आइजर की हो, चाहे नेस्ट की काउंसलिंग हो। एंड आइजर और नेस्ट की बुक्स को लेकर के बच्चे परेशान हैं, वो भी मैंने सर्च करके काफ़ी ढूंढा ढांढ के मिली है यार मेरे को, तो वो भी मैं उसको जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे सारा वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चॉइस फिलिंग आपकी 15 से स्टार्ट हो रही, 15 से 17 तक चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा। जितने भी बीटेक कॉलेज हैं आपको लग रहा है, आप सब कुछ उसमें फिल कर दीजिएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग गलत मत कीजिएगा। अगर आपने गलत फिल किया तो आपको वो कॉलेज अलाउट होगा। अब बाद में इनकेस अगर अलॉटमेंट आपको नहीं होता है, नेक्स्ट राउंड में आपका रैंक या फिर स्कोर आपका वहाँ लाई नहीं कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर। तो इसीलिए जो चॉइस फिलिंग है उसको आप अच्छे से करिएगा। अब स्टिल कोई डाउट उस वीडियो में नीचे कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।